क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ मालूम नहीं है यहाँ के बारे में। गोली की चाली फिर से खुश हो गए, खुश हो गए, खुश। तो ये रहा हल्द्वानी, बदल लगे हुए। हे, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर। पिछली वीडियो में आप लोग ने देखा था कि हम मुक्तेश्वर में कमरा ढूंढ रहे थे, जो कि बहुत मुश्किल से हम लोग को मिल पाया। एक्चुअली में उस वाले वीडियो में तो मैंने नहीं दिखाया कि हमें मिला है। उसके बाद एक दिन अचानक से ढूंढते हुए हमें बिष्टु जी, जो बगल पे जहाँ पे ज्योति का ऑफिस है उसके ठीक बगल पे एक परचून की दुकान है। एक्चुअल में परचून की दुकान ही वो सब कुछ मिक्स है उसमें। तो वहाँ उन्होंने बताया कि एक कमरा खाली है और दिखाया, हमें पसंद आया तो हमने वो एडवांस देके वहाँ पे बुक कर लिया है। और आज हम जा रहे हैं अपना सामान वामान लेकर, तो दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ये रहा सामान सारा का सारा। और ज्योति बैठी है यहाँ ऐसे, और ये है पूरा का पूरा सामान। दरअसल थोड़ा छोटा मोटा जो सामान था वो एक दिन पहले ज्योति खुद ले गई थी और उसने वहाँ पे सब एडजस्ट कर लिया था। और ये जो है मेजर जो सामान है जो रहने के लिए बहुत ज़रूरी है वो आज हम ले जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे मुक्तेश्वर के लिए। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं कमरे पे। और दिखाता हूँ मैं आपको, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है, फॉग लग रखी है और बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई है। तो ज्योति अभी उतर ही रही है, तो बस उतर के फटाफट से गाड़ी से सामान निकालना स्टार्ट करता है। दोस्तों ये है कमरा कुछ ऐसे। अभी हमें बिस्तर वगैरह लगा लिया, थोड़ा बहुत काम किया है। ये है सामान और ये रेगुलेटर। अब रेगुलेटर मजबूत लगाना है सिलेंडर पे। तो थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक कमरे का। फिलहाल तो ये देख लीजिए, बर्तन भी ऐसे पड़े हुए हैं और नया बर्तन है तो धोना था इसको। और ये है सामान, सब फैला हुआ है ये रहा। और यहाँ से अब ऐसे लटका दिया इसको भी चार्जिंग करने के लिए फ़ोन ऑन। तो दोस्तों रसोई वसोई सब सेट हो चुकी है। और देखो अभी थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता जो था हल्द्वानी से पैक करा के लेकर आए थे और यहाँ पे बस चाय बनाई है हमने अभी। आप बस नाश्ता कर ले, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे के नज़ारे। तो दोस्तों अभी घर पे मेहमान आ गए थे तो उनके साथ उनको घुमाने के लिए लेकर आ गए हम चौली की जाली फेस से। और चौली की जल्दी घूमने के लिए आए, घर पे ठीक ठाक काम तो हमने कर लिया था, घर के व्यू भी आपको दिखाने वाला था, लेकिन मेहमानों के साथ अभी यहाँ आ चुके हैं और मेहमान अभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हाय बोलो बाय। आओ जल्दी। हाँ आएंगे जल्दी। तो दोस्तों अब मेहमानों को बस विदा कर दिया है, अब हम चल रहे हैं कमरे की ओर। और वॉकिंग डिस्टेंस पे जैसे मैंने आप लोग को वॉकिंग डिस्टेंस पे मैंने आप लोग को अभी तक बताया नहीं है। ये मेन रोड है जो आगे मुक्तेश्वर की तरफ जा रहा है, यहाँ से केवल 6 या 7 किलोमीटर मुक्तेश्वर है आगे। और पीछे पे बस 2 मोड़ पीछे पे ज्योति का ऑफिस भी है। इतना नज़दीक कमरा मिल गया है, बहुत अच्छी बात रही। और अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा करके आगे का व्यू कि कैसा दिखाई देता है, रूम टूर भी दिखाऊंगा और साथ में जो हमने अभी मतलब सामान वामान सेट किया वो, और जो घर के आगे से व्यू दिखता है ना, नज़ारे कमाल के हैं। तो अभी रास्ते पे जो हम चल रहे हैं, रास्ते के नीचे पे जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी लैंडलॉर्ड के ही है शायद अभी, क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ मालूम नहीं है यहाँ के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हीं के है क्योंकि मैंने उनको काम करते हुए देखा है यहाँ आसपास पे। और जो घर है वो घर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं। आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ,
अब ये जो पेड़ है, इस मोड़ के बाद आप लोग को एक पिंक सा मकान दिखाई देगा, जो ये मकान है जहाँ गाड़ी लगी है। यहाँ पे ले रखे हमने कमरा। तो लोग पहुँच गए अपने घर, और रानी देखो कितनी खुश हो रही है हमको देखकर। रानी, रानी सिंह, रानी सिंह खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए। ओह रानी, रानी सिंह, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अरे, तू अब यहाँ बैठेगी, ठीक है? अभी हम चलेंगे अंदर पे, खुश इतना ज़्यादा नहीं होने का। अभी रानी को मिले थे हम जिस दिन हम सामान रखने के लिए आए थे उस दिन, और इसने हमें पहचान लिया। देखो इतने अच्छे से पहचान आएगी, क्योंकि जैसे किम मेरे को देख के वो करता ना, वो जो रोता है तो वैसे ही करने लग गया है। तो बनाते ट्यूशन स्टार्ट हो गई। अब ये है हिमानी और ये अभिषेक। तो जब तक अंदर बच्चों की ट्यूशन चल रही है ज्योति के द्वारा, ज्योति टीचर बन चुकी है अभी इन बच्चों की, तो इनको अभी ट्यूशन पढ़ा रही है। देखो एक घंटा करिए, तब तक मैं आप लोग को ड्रोन शॉट दिखाता हूँ यहाँ के, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। आप पहले ऐसे देखिए, तो बच्चों को पढ़ा कि अब खाना बनाने का टाइम हो गया और खाना बनाते हैं। चलिए, तो खाने में आज बना है पनीर भुर्जी और रोटी अब ज्योति बनाने वाली है। दोस्तों बिस्तर लग रहा है, खाना में खाने के बाद सोने की तैयारी हो रही है। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मुझे मालूम नहीं है। जैसे बच्चों के नाम अभिषेक बोला था छोटे बच्चे को, तो वो अभिषेक नहीं, उसका नाम था सौरभ। उसका नाम देखो अभी भी याद, सौरभ था उसका नाम। और जो दूसरी बच्ची थी उसका नाम हिमानी था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो मिलता हूँ, नींद वगैरह बहुत आ रही है। तो अगले ब्लॉग पे मिलते हैं आपको। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय।